सबसे पहले यहाँ पे एक टोप ले लेना है और मैं ले चुकी हूँ। और उसके बाद मैं ले लूँगी 2 ढाई कटोरी पानी। तो मेजरमेंट आपको एक ही बर्तन से करना है, तो ये देख लीजिए 1 कटोरी पानी डाल चुकी हूँ और ये हो गया 2री कटोरी। और अब ले ली हूँ 1/2 कटोरी और, तो सब मिला के 2.5 कटोरी पानी मैं ले चुकी हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच तेल। और अब इसको मैं गैस पर रख दूंगी टॉप को, और गैस चालू कर दी हूँ। और ये देखिए इसमें अच्छे से एक उबाल आना चाहिए, बहुत तेज उबाल नहीं, हल्का से, ये देख लीजिए आप, हल्का हल्का इसमें बिंदी आने लगा है। तो ये पानी गर्म हो चुका है, ये देखिए आप, और गैस को कर दूंगी बंद। और ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी 2 कटोरी रवा, मतलब कि सूजी। तो ये मेरे पास मोटा है, मोटा सूजी है, आपके पास जो भी है, मोटा पतला जो भी है आप उसको ले लीजिए। और ये देखिए 2 कटोरी सूजी हो गया रवा। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से पहले मिला दूंगी थोड़ा सा इस तरह से, बस। अब इसको मैं ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए 10 मिनट हो गया है ढके हुए। तो अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी और ये देखिए अच्छी तरह से फूल गया है और इसका पानी भी सूख गया है। तो ये देखिए एक बर्तन ले ली हूँ और इसको अभी मैं इसमें निकाल लूँगी, इस बर्तन में। और ये देखिए इसको मैं, ये देखिए इसको इस तरह से छू रही हूँ तो मतलब कि मैं छू पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तभी भी गर्म है। तो आराम आराम से आपको इस तरह से इसको मैश करना है, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको आपको गूंथ लेना है। तो अभी आटा काफ़ी गर्म है तो इस तरह से आराम आराम से इसको मिला लेना है इस तरह से। और ये देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है। और ये देखिए इसको इस तरह से एकदम चिकना करके इसको गूंथ लेंगे आटे को। अब मैं ले लूंगी 1 चम्मच इसमें तेल और इसको अच्छी तरह से चिकना कर लूंगी गूंथ के इसी तरह से। और जैसे मैं मेजरमेंट एक ही बर्तन से की हूँ, अगर आप भी ऐसे इसी तरह से करेंगे तो आपका सेव बहुत परफेक्ट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा और हो सकेगा तो एक लाइक कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा ये वीडियो आपको लगा। हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको मैं चिकना करके इसको गूंथ ली हूँ और देखिए कितना परफेक्ट आटा ये गूंथ के तैयार हो गया है। और मैं हाथ में ले लूँगी 1 चम्मच तेल और यहाँ पे ले ली हूँ मशीन, चकली वाला मशीन ले ली हूँ। और ये देखिए तेल को मैं अंदर ग्रीस कर ले रही हूँ, लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं 3 प्लेट ले ली हूँ सेव झाड़ने वाला। तो ये देखिए ये सबसे पतला वाला है, इसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद इसे, उससे थोड़ा सा मोटा है उसको नहीं लेना है। तो ये तीसरा नंबर जो मोटा वाला छेद है इसका, प्लेट छन्नी, इसको ले लेंगे। और इसमें मैं तेल लगा चुकी हूँ और ये देखिए आटा थोड़ा सा तोड़ ली हूँ। आटे को मैं इसको उसमें डाल दूँगी मशीन में।
और इसको इस तरह से बंद कर देना है। और यहाँ पे मैं गैस पर तेल पहले से रख दी थी गरम होने के लिए, और गरम हो गया है, मीडियम आंच पे रखना है आपको, तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए, हाई फ्लेम नहीं करना है। फिर ये देखिए इस तरह से इसको सेव को झाड़ लेना है, लेकिन याद रखिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर ही करके करिएगा, और गैस एकदम मीडियम पे रख दीजिएगा, स्लो पे, नहीं तो आपके हाथ में तेल आ जाएगा और दहा भी लगेगा, मतलब कि आँच जो होता है आँच आपके हाथ में लगेगा तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। और ये देखिए सेव, जैसे जैसे मैं इसको इसमें झाड़ रही हूँ, ये देखिए अपने आप ये सेव अपने आप अलग हो जा रहा है। और ये देखिए मैं डाल दी हूँ, अभी ये जब तक इसका झाग ये ख़त्म ना हो तब तक इसको टच नहीं करना है। और ये देखिए इसका झाग धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, और मैं इसको पलट दूँगी। और ये देखिए पलट चुकी हूँ, और ये देखिए हो भी चुका है, तो यही कलर चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी, और ये देखिए सभी को मैं बना चुकी हूँ। और ये देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रंची बना है, ये देखिए कितना अच्छा बना है। और ये देखिए अभी ये तेल में थोड़ा सा निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे इतना तेल नहीं चाहिए, और मैं तेल निकाल चुकी हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल मैं छोड़ दी हूँ, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी एक कटोरी कच्चा मूंगफली। और गैस को एकदम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है शुरू से अंत तक। और ये देखिए इसको मैं इसी तरह से हल्का सा भून लूंगी मूंगफली को। अगर आपके पास भुना हुआ मूंगफली है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, तो मेरे पास कच्चा था तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, डाल के भून रही हूँ। तो ये देखिए मूंगफली हो चुका है, आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छी तरह से ये हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सूखा बारीक कटा हुआ नारियल, ये देखिए पतले पतले स्लाइस में इसको कट कर ली हूँ एकदम बारीक में, इसको इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं डाल दूंगी बादाम कटा हुआ, जो भी मैं डाल रही हूँ, अगर आप उसमें नहीं कुछ डालना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, मत डालिएगा। और थोड़ा सा इसमें डाल दी हूँ मखाना, और अब डाल दूंगी थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा काजू। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें से जो भी आपको नहीं खाना है नहीं डालना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और यहाँ पे मेरे पास खसखस है तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी, और मैं अब भी भून लूंगी। थोड़ा सा इस तरह से मिला लूंगी इसको, ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब गैस को कर दूंगी बंद, गैस बंद कर दी हूँ। और अब मैं इसी के साथ डाल दूंगी चाट मसाला एक चम्मच, आप इसके जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और डाल दूंगी ये मेरे पास 2 चम्मच चीनी में ले ली हूँ, चीनी पीसा हुआ चीनी, चीनी पाउडर ले ली हूँ 2 चम्मच, और काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दी हूँ नमक। बस अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, अब इसको इस तरह से मिला लेंगे।
ये देखिए ये अच्छी तरह से मिल गया है, मिक्स हो गया है। और अब मैं इसी में सेव डाल दूंगी, तो सेव को थोड़ा सा तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से तोड़ते जाएंगे। थोड़ा सा पहले मैं डाली हूँ, इसको एक बार मैं पहले मिला लूंगी, फिर सभी को डाल के एक साथ मिक्स कर दूंगी। एक बार ये नमकीन आप घर पर ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये नमकीन खाकर। आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे अगर एक बार इसको बना के खाएंगे तो। ये देखिए सभी को मैं मिक्स कर दी हूँ और ये हो चुका है। एक बर्तन में इसको निकाल भी चुकी हूँ।